दोस्तों वेलकम एंड गुड इवनिंग। तो मैं कृति पटेल आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मज़े में होंगे। तो आज अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त एक वीडियो लेके आई हूँ जो होने वाला है हमारा रेसिपी का वीडियो। बट हाँ, ये वाली रेसिपी आपने शायद ही कहीं देखी होगी और इतनी बढ़िया ये बनती है, आप इसे लंच में, डिनर में, इवन ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हो और इतना बढ़िया इसका टेस्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रेसिपी। बहुत बातें नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि अगर इतनी सारी बात करती तो अब इसे सारे लोगों के मुँह में पानी आ जाएगा। सारे लोगों में आए ना आए, मेरे मुंह से तो इतना ज़्यादा पानी आएगा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। तो अभी मैं लंच में ये चीज़ बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शेयर कर देते हैं कि ये वाली चीज़ हमारे घर पे कैसी बनती है। तो अभी हमारा फेस्टिवल चल रहा है इसलिए यहाँ पे मैंने बनाई है कच्चे केले से एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो इतनी स्वादिष्ट होने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो फिर भी अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है मेरी चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन पर और ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड यस ऑफकोर्स सारे वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखें। लाइक कमेंट करना फ्री है तो वो भी कर दीजिएगा, चाहो तो ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप भी ले सकते हो। अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिए है कच्चे केले। हाँ, ये रेसिपी कच्चे केले से बनने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे बड़े ही वाले अच्छे से केले लेने हैं और इसको मतलब आपको 3 सीटी लगाकर बॉयल कर लेना है। जैसे हम आलू को बॉयल करते हैं वैसे ही आपको कच्चे केले को 3 सीटी लगाकर बॉयल कर लेना है। तो मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है, तब तक हम एक चीज़ और कर लेंगे। ये है मेरा गेहूं का आटा। हम क्या करेंगे, गेहूं के आटे में थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मतलब लाइटली डालना है जैसे हम रोटी पराठे में डालते हैं वैसे ही। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल, और अब हम इसे पानी से डो लगा लेंगे जैसे हम रोटी या पराठे का लगाते हैं। हाँ, रोटी से थोड़ा सा मतलब हार्ड और पराठे से थोड़ा सॉफ्ट वाला डो लगाना है। हमारा आटा लग चुका है, हम इसे थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी हमने कुछ इस तरीके की रखी है ना। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। हमारे केले अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। 3 विसल लगाने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं और फिर ऐसे ग्रेटर से हम इसे क्या कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे केलों के छिलके निकल चुके हैं, अब बारी आती है इसको ग्रेट करने की। तो इस तरीके से हम लेंगे और इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे पाव भाजी मशीन से स्मैश भी कर सकते हो, बट मुझे ये ग्रेट वाला ही अच्छा लगता है क्योंकि केला जो होता है ना स्मैश करने के बाद भी इसके थोड़े से मतलब बड़े बड़े वाले क्या बोलते हैं उसे टुकड़े रह जाते हैं, तो मुझे ग्रेट वाला ही अच्छा लगता है। मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो अब ये हमारा केला अच्छे से पिस चुका है, मतलब मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे मसाले, जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे हम हल्दी, लाल मिर्ची यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम इसके साथ यूज़ करने वाले हैं ग्रीन मिर्ची। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप जितना भी तीखा खाते हो उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची ऐड कीजिए। एक्चुअली केले का टेस्ट जो होता है ना कच्चे केले का, वो बहुत ही फीका सा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी ये मसाले बनाए इसके अंदर ऐड करें थोड़े से मतलब ज़्यादा ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आता है। इसके साथ मैं डालने वाली हूँ, हम गुजराती लोग जब भी ये बनाते हैं
तो हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ पीसी हुई चीनी। अब इसके साथ जाएगा नींबू का रस। इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है वो है सफ़ेद तिल। मैं इसमें सफ़ेद तिल थोड़े से ऐड कर रही हूँ। आप इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हो, बट ये फेस्टिवल में हम ये धनिया पत्ती नहीं खाते तो मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ। आप इसमें डाल सकते हो। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा केले में मसाला ऐड करने के बाद इस तरीके का मावा हमारा रेडी है। हम क्या करेंगे, इसके पहले इतने बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे, इतने बड़े बड़े। हमारा जो डो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था इसको हम अच्छे से गूंथ कर इसके भी मतलब पराठे जैसे हम ऐसे पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। और हमने एक तरफ यहाँ पे रख दिया है तवा गरम होने को। अब हम क्या करेंगे, इसका एक अलग सा पराठा बेलेंगे। तो एक पेड़ हम यहाँ से लेंगे और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से बेल लेंगे। इतना बेलने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो ये वाला केले वाला पेड़ा बना के रखा था इसको हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। हाँ, आप सही समझ रहे हो, ये आलू के जैसे ही कच्चे केले का पराठा है। बस थोड़ा सा मतलब इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, पर बहुत ही बढ़िया लगता है। जो लोग आलू प्रेफर नहीं करते वो केले से ऐसे वाले पराठे बना के खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से पतला बेल लेंगे। अगर आपका मावा सही है ना तभी जाके आपका पराठा अच्छे से बेला जाएगा पतला वाला, अदरवाइज ये फटता रहेगा, चिटकता रहेगा या फिर मतलब मोटा ही रह जाएगा। तो ये हमारा पराठा अच्छे से बेल कर रेडी है, हम इसे सेक लेते हैं। तब ये हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है, हम इसे टर्न कर लेते हैं। इसमें तेल, घी या बटर आपको जो अच्छा लगता है आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे तेल का ही यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से सेक लेंगे। सीखने के बाद ये हमारा गर्मा गर्म कच्चे केले का पराठा रेडी है। हमारा कच्चे केले का पराठा और ये होममेड सॉस, इसके साथ हम सर्व करने वाले हैं। एक्चुअली इसके साथ हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है, बट हम अभी हरी चटनी नहीं खा सकते तो मैंने इसे होममेड केचप के साथ सर्व किया। चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। How's the juice? Good. अब भी टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। सरस, थैंक यू। तो आप लोग इंजॉय कीजिए, मैं जाती हूँ आगे के पराठे बनाने। तो आज के लिए इतना ही, कल अलग से नए कंटेंट नए वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सीट मी, लव यू ऑल। मैं पराठे इंजॉय करती हूँ, आप वीडियो इंजॉय कीजिए और फटाफट से इस रेसिपी को बनाए। बाय बाय।